हर घर जल योजना बना, लोगों के जी का जंजाल, लोग हो रहे लगातार परेशान, जगह जगह ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही सामने। आप सभी का सबसे तेज खबर स्वस्ति चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के स्वस्ति जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा के इलाके से है, जहां पर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना के तहत हर जगह सड़क खोद कर उसमें वाटर सप्लाई पाइप डाली जा रही है, जिसमें यह प्राविधान है कि लाइन बिछ जाने के बाद संबंधित ठेकेदार उस सड़क को फिर से पूर्णतः सही करें। लेकिन जनपद मुख्यालय भिनगा के वार्ड नंबर 11 कृष्णा नगर मठखनवा, जो कलेक्ट्रेट परिसर से महज 300 मीटर की दूरी पर है, कई माह पूर्व यहाँ पूरे वार्ड की सड़क खोद कर पाइप डाल दी गई, लेकिन सड़क सही नहीं कराया गया। जिस टंकी से यहाँ पानी की सप्लाई होनी है, अभी तक उसकी बुनियाद भी नहीं तैयार ही, ऐसे में वार्ड के लोगों का आवागमन बाधित हो गया, लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लोगों में अब गुस्सा पनप रहा है। इस बारे में वार्ड के सभासद व अन्य संभ्रांत लोगों ने ठेकेदार व इंजीनियर से संपर्क किया तो पता चला जब लाइन कंप्लीट हो जाएगी तब सड़क के बारे में सोचा। आप जो है एक प्रार्थना पत्र आप लोगों ने तैयार किया है, क्या विषय है उसका? विषय ये है कि नगर पालिका भिनगा के वार्ड नंबर 11 मोहल्ला कृष्णा नगर में ये जो हर घर नल से जल की योजना माननीय मोदी जी का चल रहा है, उसमें जो पाइपलाइन के ठेकेदार हैं, इन लोगों के द्वारा नगर पालिका के सभी वार्डों में पूरा जो है जो बनी बनाई ठीक ठाक रोड थी उसको उजाड़ करके रख दिए हैं लगभग 2 माह पहले, और आज जिस पानी टंकी से सप्लाई होना है वार्डों में वो टंकी का बुनियाद भरा जा रहा है, जिसके संबंध में हम लोगों ने बात किया कि अगर आप खोद डाले हैं तो प्रत्येक घर को कनेक्शन दे करके और जो भी आपके पास मशीनरी हो उससे प्रेशर से जो है आप चेकअप कर लीजिए, उसके बाद रोड रिपेयर करा दीजिए। लेकिन इनके द्वारा मनमानी किया जा रहा है, सुनवाई सुन भी नहीं रहे हैं और लगातार आश्वासन देते रहते हैं कि हम इस सप्ताह बना देंगे, उस सप्ताह बना देंगे, ऐसे करके आज लगभग 2 माह बीत चुका है और बड़ी परेशानी है। 2 माह से मतलब ये दिक्कत है, जगह जगह रोड खुदी हुई है। हाँ, 2 माह पहले से खुदी है, लेकिन समस्या 2 माह से है। हम लोग बरसात होने के नाते जो है कई बार संपर्क भी किए हैं कि ये रोड आप रिपेयर करवा दीजिए, लेकिन उनके द्वारा सुना नहीं जा रहा है, जिसके संबंध में हमने यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते अधिशासी अधिकारी महोदया जी से भी निवेदन किया हूँ, उनको भी अवगत कराया हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेश चौहान है, मेरी पत्नी यहाँ की सभासद हैं। तो ये समस्या है, मतलब हर घर नल योजना के अंतर्गत इस गांव में सड़क की खुदाई करके उसमें पाइपलाइन डाल करके ठेकेदार और जो जिम्मेदार लोग हैं वो गायब हो गए, तब से दोबारा इस गांव में घूमने नहीं आए। हाँ, नहीं आए, और हम लोग जब फ़ोन से वार्ता करते हैं, मिल के मौखिक बात करते हैं, तो उनके द्वारा बार बार यही आश्वासन दे करके टाला जा रहा है कि करवा देंगे, लेकिन करवा रुहा कुछ नहीं। हम देखे हैं कि सालों से जो है ग्रामीण की सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुन नहीं रहा है। धन्यवाद। इतने दिन होएगा खबर जान, कितने दिन पहले इसको खोदे हैं? एक तो 1.5 महीना तो हुए, इनका 1.5-2 महीना, तो तब से इसका ईंटा सही करने नहीं आए। पाइप वाइप डाल दिए हैं? पाइप डाल गए हैं, तब से इमा खुल नहीं आए हैं कुछ करे। अच्छा, ये ऐसे है तो बारिश में तो बड़ा दिक्कत होगा। बारिश में ही इमा कोई नहीं निकल पावत है, ना लड़के निकल पाए, ना सयाने निकल पावत है, खोज बहाय दिन माटी सब ऊपर होएगा, वहन सड़क सड़क बिछलाई बिछलाई गिरा पाए। हाँ, तो बड़ी दिक्कत है। मोटरसाइकिल वाले निकल पावे ना कोई, माने बस निकल पाओ पैदल ही निकल पावे। तो आपका घर यहीं है? हाँ, घर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम गीता। अच्छा, तो ठीक है, मतलब अभी तक जो है ये पाइपलाइन बिछाने के बाद फिर कोई पूछने नहीं आया कि ये खड़ंजा ये सड़क दोबारा सही होगा कि नहीं? तो यही स्थिति पूरे सड़क का है, यहाँ से गांव के उस पार तक, गांव में यहाँ गली गली भी है। अच्छा, गली में भी सब खोद के फेंक दिए हैं? पूरा गली में ही है, हम लोग तो बिल्कुल बूढ़ गए थे, पानी बरसा था, वही में कोई नहीं निकल पावा था, बहुत परेशानी है। चलिए ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको जो है जिम्मेदार अधिकारियों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। भाई साहब, ये कौन सा गांव है? ये मठखनवा गांव है भाई साहब, यहाँ का दिक्कत जो है। नहीं, ये नगर पालिका में है कि ग्रामीण क्षेत्र है? नगर पालिका में। कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 11 मोहल्ला कृष्णा नगर।
अच्छा, तो यहाँ क्या समस्या है? समस्या ये है कि गांव का पूरा लाइन पूरे रोड पे खोद दिया गया है। खोद देने के बाद 2 महीना हो गया, अभी तक किसी ने इस पर नजर नहीं डाली। कई बार हम लोग प्रयास किए हैं कि ये सही हो जाए खड़ंजा, लेकिन अभी तक सही नहीं हुआ। अच्छा, जब आए दिन होता है ऐसा कि बच्चे जब भी निकलते हैं बरसात होने लगता है तो सब गिर जाते हैं इसी में, किसी का मुंह फूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। तो ठेकेदार तब से आए नहीं जिन्होंने पाइप वाइप डलवाया इसमें पानी का? कभी नहीं आए। अच्छा, ठेकेदार नहीं आए। आप लोग संपर्क किए तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दे रहे थे कि मतलब ये हो जाएगा, तो कब हो जाएगा, जब बरसात निकल जाएगी तब होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम भैया? अवधराम चौहान है सर। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? जी जी, जी। ठीक।